हेलो नमस्ते एंड टू ऑल माय ग्रेड नाइन स्टूडेंट्स ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग बिगिन करते हैं कि सेल कैसे फंक्शन करता है अब पे एक एनिमल सेल का डायग्राम है ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है मेरे को कैसे पता चला एनिमल सेल है, है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है सेल वॉल नहीं दिख रही मेरे को क्या नहीं दिख रही यहाँ पे सेल वॉल नहीं दिख रही सेल वॉल एबसेंट है तो क्लियरली ये किसका है एक एनिमल सेल का ही क्या है एक डायग्राम है ठीक है अब ना एक सेल को एक ध्यान में रखो अंडे के जैसे एक एग देखा है हमने एक रॉ एग होता है तो उसमें ये कवरिंग होती है एग की है ना अंदर येलो पोर्शन होता है एंड यहाँ पे ना बाहर क्या होता है पूरा वाइट फ्लूड होता है ठीक है करेक्ट तो हर सेल में तीन कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहला उसका न्यूक्लियस जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं जिसको हम याद रख रहे हैं कि एग के स्ट्रक्चर में जब एग फूटता है तो उसका येलो पोर्शन निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियस हम उसको याद कैसे रखेंगे एज न्यूक्लियस फिर जो पूरा वाइट ट्रांसपेरेंट सा फ्लूड होता है उसको हम याद रखेंगे एज साइटोप्लाज्म एज साइटोप्लाज्म एंड जो पूरे एग की कवरिंग होती है जो एग हम खाते हैं उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम याद रख सकते हैं एज अ सेल मेमब्रेन या एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है अब यहाँ पे ना सेल समझने से पहले सेल के दो टाइप्स होते हैं एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड एक होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब ही ये है प्रो मतलब पुराना जो वेल डिफाइंड नहीं होता ये देखो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है इसका न्यूक्लियस जो है इसका न्यूक्लियस आप देखो कैसा है इसका न्यूक्लियस बहुत ना अजीब सा है इसका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है

ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पे एबसेंट होते हैं एक प्रॉपर उनकी बाउंड्री एबसेंट होती है और यहाँ पे ये क्या है प्रेजेंट होते हैं अब यहाँ पे क्रोमोजोम में सिंगुलर एक ही क्रोमोजोम होता है एंड यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोजोम्स होते हैं ठीक है इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो बहुत अनडिफाइंड या नॉट वेल डिफाइंड होता है और तभी हम उसको न्यूक्लियोलॉइड बोलते हैं क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलॉइड ठीक है यहाँ पे ये बहुत वेल well डिफाइंड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं क्लियर इतना क्लियर आगे हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म तो मैंने एग से रिलेट करके बताया कि जो जेली लाइक वाइट स्ट्रक्चर होता है एक एग में वो क्या होता है साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म वही पूरा कंटेंट होता है जो एक सेल मेमब्रेन के अंदर होता है एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस तो एक यू सेल में जो सेल है सेल कंटेंट है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म मतलब अगर ये उसकी वॉल है और ये न्यूक्लियस है उसका तो ये जो पूरा पोर्शन है इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज भी आ रहे हैं बट ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे हमारा साइटोप्लाज्म क्लियर इतना इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं तो ये टाइनी ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे हैव डिस्टिंक्टिव फीचर्स एक यू कैरियोटिक सेल के अंदर जो पूरे सेल की फंक्शनिंग एंड पूरे सेल की वर्किंग में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया हमारा न्यूक्लियोलस हो गया हमारा गोलजियापैरिटिस हो गया लाइजोजोम हो गया सुसाइडल बैग्स हो गए तो यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ हम लोग अब सेल के इंडिविजुअल पार्ट्स को भी देखेंगे ईआर ER की वीडियो शायद आपको मिल गई होगी एंड बाकी सेल ऑर्गेनाइज की भी वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी सो so, ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग।